नमस्कार दोस्तों, योर बिगर चैनल में आपका स्वागत है। और ये वीडियो में आप जानने वाले हैं बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स जो एक्सेल यूजर डेली यूज़ करने वाले लोगों को भी शायद नहीं पता होंगी। सो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि कुछ आप मिस कर सकते हैं। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो आपका सिक्वेंस नंबर या रो नंबर या कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर रो को डिलीट कर देता हूँ और अटैच, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, रो नंबर वन मोर टाइम। ठीक है, एक बार अभी मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करूँगा तो नंबर ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए एक फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना होता है, इक्वल्स रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव, फिर से रो ब्रैकेट ओपन, और जो आपको उसके पहले वाला रो है जहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं रो का, वो रो सेलेक्ट कर लेना है और F4 प्रेस कर देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, नंबर वन आ चुका है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सब कुछ सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप चाहें तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये था नंबर वन ट्रिक। नंबर टू ट्रिक आप देखिए, यहाँ पे आपको ये जो कुछ यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट्स कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, एग्जांपल कैश पेमेंट मोड, सो इस तरीके से जो एरर आपको यहाँ पे दिखेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस एरर को, मतलब यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको डेटा वैलिडेशन, इसको कैसे हटाना है। तो यहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकें, तो सिंपली आपको जाना है डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन में जाना है। इस तरीके से डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए, ये रेफरेंस है, इसको आप या तो ऐसे डिलीट कर दीजिए या फिर क्लियर ऑल सिंपली प्रेस करेंगे, ओके कीजिए। अभी यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन था हट चुका है, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन नीचे वाले कॉलम में अभी भी है, तो आप इसको पहले डिलीट कीजिए और ड्रैग कीजिए, तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन कहीं पे भी नहीं है, आप कहीं पे भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रिक नंबर थ्री, यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा है। ओके, वन मोर टाइम, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा आपको कंटेंट्स मिल सकता है जो एक्चुअल में जहाँ प्रिंट एरिया है उसके बाहर है, आप उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं और इस तरीके से वो डिलीट नहीं हो रहा, तो सिंपली आपको क्या करना है, उससे पहले वाले कॉलम में जाना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। फिर जाना है फॉर्मूला बार में और वहाँ से आप उसको सिंपली डिलीट कर दीजिए, एंटर कीजिए, देखिए यहाँ से वो गायब हो चुका है। सो ये था तीन ट्रिक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी है ग्रेड्स जो है आ चुके हैं फॉर्मूला की वजह से। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो अपने पास यहाँ पे ग्रेड्स है, कितने परसेंट पे कितना ग्रेड होना चाहिए, 45 पे D, 55 पे C, जो भी है ये ग्रेड्स आप यहाँ पे कैसे आप उनको डिफाइन करेंगे एक ही साथ फॉर्मूला के साथ। टाइप करने में एक एक करके आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे लुकअप, लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपको देना है सेल। उसके बाद कॉमा लगाना है, लुकअप वेक्टर मतलब कि जो आपको कहाँ से आपको वो सर्च करना है, लुकअप वेक्टर ये हो जाता है आपका। और उसके बाद F4 फंक्शन प्रेस करना मत भूलना, वरना फॉर्मूला जो है आपका स्पिल हो जाएगा। उसके बाद कॉमा, रिजल्ट, आपको रिजल्ट क्या चाहिए, तो रिजल्ट हमें चाहिए ग्रेड्स। उसके बाद में फिर से F4 प्रेस करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे फॉर्मूला, आप एक बार फिर से ऊपर देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला ये है। उसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिए, देखिए ग्रेड आ चुका है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सबका ग्रेड आ चुका है, टन टना। नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे। ये देखिए, कभी होता है ऐसा है आपको यहाँ पे डेजिग्नेशंस लिखना है, एक तो आप इस तरीके से सिंपली टाइप भी कर सकते हैं, ऐसे टाइप करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपली बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ तक नहीं, यहाँ से, क्योंकि आपको यहाँ से कंटेंट्स डालना है उसमें। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है क्या, कंट्रोल जी, रेफरेंस, स्पेशल में जाना है, ब्लैंक्स को सेलेक्ट करना है, ओके करना है। अभी देखिए, अभी आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टाइप करना है इक्वल्स और उसके बाद में सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले कॉलम में जो आपको वैल्यू चाहिए, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। तो अभी भी जो बाकी कॉलम्स हैं ब्लैंक हैं, तो इसके लिए आपको करना है कंट्रोल एंटर प्रेस। अभी नहीं होगा, फिर से आपको एक और वो करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर, ये देखिए जादू।
इसी कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना, बोलना मत। नेक्स्ट ट्रिक में चलते हैं, ये किस तरीके से बनेगा भाई। इस तरीके से आपको अगर बार्स बनाना है कि किसका कितना मार्क्स आया है, उसको एक चार्ट टाइप में, बार टाइप में क्विकली बनाना है, तो उसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला है। पहले मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे रेप इक्वल्स REPT। टैब प्रेस कर सकते हैं, रेप के बाद पैरेंथेसिस ओपन। आपको जो एल के साथ फंक्शन होता है ना, वो फंक्शन की को प्रेस करना है इस तरीके से। उसके बाद ब्रैकेट, फिर से पैरेंथेसिस लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और अभी हमें सेलेक्ट करना है नंबर्स, नंबर्स ये है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो चार्ट है बन चुका है, ये देखिए, इजी। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। अभी आप रेटिंग्स की बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्स की बात करते हैं, मान लो जो आपके रिव्यूज़ हैं वो कितने कितने आ रहे हैं, तो रिव्यूज़ के जो रेटिंग है उसको आप स्टार देना चाहते हैं, स्टार्स की। वो वैल्यू हम यहाँ पे कैसे लेकर आएंगे, सबसे पहले जान लीजिए कि जो स्टार है वो आप कहाँ से लेंगे। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो प्लस डॉट, विंडो के साथ डॉट प्रेस करेंगे, सर्च में जाइए, सर्च में जाने के बाद में आपको स्टार 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 सर्च करना है। पहले हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना होगा रेप्ट अगेन, रेप्ट ब्रैकेट क्लोज, आई मीन ब्रैकेट ओपन नॉट क्लोज, और उसके बाद आपको फिर से पैरेंथेसिस में यहाँ पे स्टार लगाना है। तो उसके लिए आपको जाना है विंडो के साथ एक ही प्रेस करना है, और चाहिए तो आप मोस्ट रिसेंट में भी जाके देख सकते हैं जो आपने अभी तक यूज़ किया है। स्टार, उसके बाद ब्रेक, फिर से पैरेंथेसिस लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, नंबर्स टाइम में ये जो नंबर है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देंगे इस तरीके से। एंटर कीजिए, ये देखिए 4 स्टार। मैजिक, अच्छा लगा, अगर ट्रिक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी भी बहुत कुछ बाकी है आने वाला। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप कोई भी टास्क है असाइन करते हैं और उसको आप चाहते हैं कि जब फिनिश हो जाए, डन हो जाए, तो स्ट्राइक थ्रू आ जाए ऑटोमेटिकली उस पर, तो उसके लिए आपको सिर्फ कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाना होगा। पहले मैं इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग होम टैब में जाना पड़ेगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा, हाईलाइट सेल रूल्स, फर्स्ट हम कर देंगे इसको क्लियर रूल फ्रॉम द सेलेक्टेड, डन। उसके बाद फिर से रूल लगाएंगे, होम कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स व्हाट, डन। अगर डन है तो क्या होना है, यहाँ पे हमें चाहिए कस्टम, कस्टम फॉर्मेटिंग, हम चाहते हैं कि स्ट्राइक थ्रू हो जाए ऑटोमेटिकली अगर डन हो चुका है तो। ओके कीजिए, अगर मैं ये टास्क को भी यहाँ पे एग्जांपल डन लिखता हूँ तो स्ट्राइक थ्रू ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना मज़ेदार ट्रिक। इसके अलावा एक और ट्रिक्स बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने जो टास्क अभी अभी रिसेंटली किया है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे कर्सर ले जाइए, ऐसे क्लिक कीजिए, सिंगल क्लिक, आप देखिए जो जो टास्क आपने अभी अभी किया है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी टास्क है, हिस्ट्री आपका एक्सेल में, उसी वर्कशीट में। ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है। आइए अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। ये ट्रिक बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है वो जरूर देखते हैं। इक्वल्स कॉन्केटिनेट, अगर हमें ये जो दो चीज़ें हैं इनको एक साथ लेके आना है तो वो कैसे हम कर सकते हैं, टेक्स्ट कॉमा पैरेंथेसिस कॉमा पैरेंथेसिस कॉमा। ये हमने यहाँ पे डबल कोट्स 2 बार लगाया स्पेस के साथ, क्योंकि हमें दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, फिर उसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। सो ये जो फंक फॉर्मूला है देख लीजिए इस तरीके से। अभी मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए, है ना मैजिक ट्रिक। यस, नाउ अब एक ट्रिक तो देख लिया आपने, अभी दूसरा ट्रिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे केयरफुली। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पहला वर्ड है वो टाइप करना है, जो सेकंड वर्ड है वो दूसरे कॉलम में टाइप करना है, क्योंकि
कि हमें इनको अलग अलग करना है। यहाँ पे जो एक साथ हो चुके हैं, अभी जो कॉन्केटिनेट का यूज़ करके जो हमने इन दो वर्ड्स को एक साथ किया है, अब उनको अलग अलग कैसे करना है? आपको सिर्फ पहले दो वर्ड टाइप करने हैं, उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ई। यस, वन मोर, कंट्रोल ई, डन। सो दिस इज इट, कंट्रोल ई मतलब फ्लैश फिल। ओके, एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं टाइप कर देता हूँ एक और जो कंट्रोल ई है, अगर वो आप याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप डेटा टैब में जाके सिंपली यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक कीजिए, इस तरीके से, अगर आप शॉर्टकट की भूल जाएं तो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन बट द बेस्ट वन, लोअर में, अपर में और प्रॉपर में कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। मोस्टली होता क्या है, हम लोग टाइप करेंगे लोअर, अपर, प्रॉपर, नॉट प्रॉपर, इट्स ऋषि। सो दिस इज द फॉर्मेट, लोअर, अपर एंड प्रॉपर। अब इसको लोअर, अपर, प्रॉपर में हम कैसे फॉर्मूला की मदद से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। लोअर का एक फंक्शन है एक्सेल में, एंटर कीजिए, ऑटोमेटिक लोअर में आएगा। यहाँ पे हमें डालना है अपर, सॉरी, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, अपर केस में आ चुका है। यहाँ पे हमें चाहिए प्रॉपर केस में, प्रॉपर केस में फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज। अभी ये देखिए, बहुत इजी ट्रिक है। अभी जो ये आप देखेंगे एग्जांपल, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट, और अगर मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ इन केस मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे वो टेक्स्ट वहाँ पे चाहिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली वो टेक्स्ट उधर ही रहेगा उसी सेम फॉर्मेट में। सो आपके पास अगर गलती से कोई भी फॉर्मेट ऐसे आपने आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया है जो एक्सेल में आपको चाहिए था प्रॉपर फॉर्मेट, मतलब आप सिंपली प्रॉपर का फॉर्मूला लगा के कंट्रोल जी से वापस कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बहुत सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पे ऐसे मिले होंगे जो सारे नए होंगे आपके लिए। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, सी या।